हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे हाउ टू डिलीट पोको X3 अपडेट। दोस्तों, यहाँ पे अगर आपका अपडेट हो चुका है तो कैसे उसको रिसेट करना है, मतलब डिलीट करना है, और या अगर आपका अपडेट का नोटिफिकेशन आया है तो आप किसी भी रीज़न की वजह से अपडेट नहीं करना चाहते हो तो कैसे उस नोटिफिकेशन को बंद करना है और कैसे उसको डिलीट करना है अपने अपडेट को, यही इस वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। तो आपको भी सेम टू सेम यहाँ पे फॉलो कर लेना है। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे आपको सेटिंग में ही जाना है और वहीं से आपको अपना अपडेट का डिलीट करना है। तो सेटिंग पे क्लिक करने के बाद अबाउट फ़ोन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक जैसे करोगे तो यहाँ पे आप सामने ही देख सकते हो अपडेट का मेरे को दिख रहा है नोटिफिकेशन, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे डाउनलोड अपडेट का ऑप्शन है, तो आपको 3 डॉट ऊपर दिख रहा है राइट साइड के कॉर्नर में, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने का 4 ऑप्शन देखने मिलेंगे, डाउनलोड लेटेस्ट पैकेज, सेटिंग, व्हाट्स न्यू और मोर। तो आपको सेकेंड नंबर पर जो ऑप्शन दिख रहा है सेटिंग का, उस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको इधर ये जितने भी नोटिफिकेशन ऑन है ये सब चीज़ को ऑफ़ करना है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ऑफ़ कर दिया डाउनलोड यूजिंग मोबाइल डेटा। मोबाइल डेटा पे आप डाउनलोड नहीं हो पाएगा, तो जब डाउनलोड ही नहीं होगा तो अपडेट भी नहीं हो पाएगा। उसके बाद सेकेंड नंबर पे है यहाँ पे डाउनलोड ऑटोमेटिकली, तो यहाँ नीचे लिखा है डाउनलोड रिक्वायर अपडेट व्हेन कनेक्टेड टू वाईफाई, मतलब जब आप वाईफाई पे कनेक्ट रहते हो तो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाता है और इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आती है। तो ये भी ऑफ करके रख देना है आपको। जब ये ऑफ कर दोगे तो आपका ऑटोमेटिक भी डाउनलोड नहीं हो पाएगा। ये करने के बाद दोस्तों, अब बात करते हैं जिनका डाउनलोड ऑलरेडी हो चुका है तो अपडेट को अपने कैसे करना है। तो ये नोटिफिकेशन आपको सब बंद करना है और यहाँ पे सेटिंग में जाके, सेटिंग से बाहर आके आपको अपने मोबाइल को एक बार रिबूट करना है, यानी बंद करके एक बार चालू कर देना है। बंद करके एक बार चालू करोगे तो जो अपडेट आपका था वो रिमूव हो जाएगा और हमेशा आपको अपनी नोटिफिकेशन बंद रखना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया कैसे डिलीट करना है अपना पोको X3 का अपडेट। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।